गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 1, जिसका टाइटल है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पढ़ाने जा रहा हूं। आइए इस लेसन को लाइन वाइज स्टडी करते हैं। एक एक वर्ड पर ध्यान देना है ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिक दिस टाइम। मैं सचमुच ट्रिकी को लेकर इस बार परेशान था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. मैंने अपनी कार खड़ी की, तभी मैंने उसे गली में अपनी मालकिन के साथ देखा और मैं उसके अपीयरेंस को देखकर मैं उसके चेहरे को देख करके यानी उस डॉग के चेहरे को देख करके शॉक्ड हो गया, दुखी हो गया। क्यों? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। कहता है वह अत्यधिक मोटा हो चुका था और देखने में लगता था एक ब्लॉटेड, एक सूजा हुआ, एक फूला हुआ सॉसेज हो, कबाब हो, जिसमें चार कोने पर चार पैर लगे हों। यानी कबाब की यहाँ तुलना की गई है उस डॉग के साथ। कबाब जिस तरह कहता है मानो फूल गया है, सूज गया था और चारों कोने में मानो एक एक ठो पैर लगा हुआ हो। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रियोमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। अब देखिए, आईज उसकी जो थी ब्लड शॉट एंड रियोमी, लाल आँखें, रियोमी पनियल आँखें, आँखों से पानी बह रहा था, और स्टेयर्ड स्ट्रेट, उनकी आँखें सीधी देख रही थी अहेड मतलब सामने की तरफ, एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और जो उसकी जुबान थी, जो उसका जिहुआ थी उसकी, वह उसके जबड़ों में से बाहर लटक रही थी। मिसेस पम्फरी हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। मिसेस पम्फरी बहुत सकुचा गई बताने में और वह बोली कि मिसेस मिस्टर हैरियट, यानी राइटर को मिस्टर हैरियट के नाम से पुकारती है वह, मिस्टर हैरियट खुद राइटर हैं। क्या कहा? ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी वह बहुत ही उदास था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगने लगा था मानो उसके शरीर में कोई ऊर्जा ना हो। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लग गया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो चुका है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए भोजन के बीच बीच में मैं कुछ अतिरिक्त आहार उन्हें देने लग गई। क्या क्या देती थी? सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। कहता है कुछ माल्ट दिया करता था, माल्ट यानी एक बार्ली कॉर्न होता है, अनाज होता है ना, उसका आटा, तो माल्ट, कॉड लिवर, कॉड एक मछली है, कॉड लिवर ऑयल एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स आप जानते ही हैं, तो एक कटोरे में बॉल, बड़ा सा कटोरा नाद,
में क्या करती थी, हॉर्लिक्स देती थी एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात में सोने के लिए। नथिंग मच रियली, कहा सच कहा जाए तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देती थी। एंड रेडियो कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, और कहा जो स्वीट थिंग्स मैंने आपसे कहा था कट करने के लिए, यानी मीठी चीज़ों में कमी करने को जो कहा था आपने किया क्या? ओह आई डिड फॉर अ बिट, कहा थोड़ा सा कट किया था यानी थोड़ी सी कमी की। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वह इतना दुर्बल दिखने लगा ना, कमज़ोर दिखने लगा कि मैंने रिलेंट कर दिया यानी फिर से चालू कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, उन्हें क्रीम वाला केक और चॉकलेट बेहद पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, कहता है मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, फिर से मैंने उस लिटिल डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, कहता यही तो ट्रबल था, यही तो परेशानी थी। क्या ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि ट्रिकी में एकमात्र फॉल्ट क्या थी, एकमात्र दोष क्या था? ग्रीड, ग्रीड कहते हैं लालच को। क्यों लालच कहा गया भाई? देखो, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कहता है कभी भी वह खाने से इनकार नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कहता है दिन हो या रात, किसी भी घड़ी किसी भी वक्त जो कुछ उसको मिलता था वह खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फरी हैडंट मैंसन्ड, और मैंने उन सब बातों के लिए के बारे में सोचा जिनकी जिक्र तक नहीं की मिसेस पम्फरी ने। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बताइए आप उससे पर्याप्त व्यायाम करवाती हैं? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, कहा आप देख ही रहे हैं थोड़ा बहुत मेरे साथ वह चल फिर लेता है। बट हॉडकिन द गार्डनर हैज बिन डाउन विथ लुम्बैगो, सो देयर हैज बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन हॉडकिन जो मेरा गार्डनर है, माली है, उसको लुम्बैगो हो गया है, ए काइंड ऑफ फीवर, लुम्बैगो, सो देयर हैज बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, फिलहाल कोई रिंग थ्रोइंग यानी छल्ला फेंकने वाला कोई खेल जो है फिलहाल वह नहीं खेल पा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। आई ट्राइड टू साउंड सेवियर, राइटर कहते हैं मैं थोड़ा सेवियर यानी कठोर सख्त होने की कोशिश कर रहा था। नाउ आई रियली मीन दिस, कहता है सचमुच अब मेरा ऐसा ही इरादा था, यानी मैं अब सख्त लहजे में अब जो है पेश आने वाला था मिसेस पम्फरी के साथ। देखो अब क्या कह रहा है लेखक, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, सावधान किया कि यदि आपने उसके भोजन में अभी से कटौती नहीं की और पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कराया ना, तो सचमुच का वह बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड गिव हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कहा आप अपने दिल को जरा कठोर कर लीजिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट यानी सीमित आहार पर उनको रखिए। मिसेस पम्फरी रंग हर हैंड्स, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, मिसेस पम्फरी अपना हाथ निचोड़ने लगी, बोली अच्छा मिस्टर हैरियट मैं वैसा ही करूँगी।
आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। मिसेस हैरियट को, सॉरी मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फरी को कहा, आई एम श्योर, यानी मुझे भी यकीन है, विश्वास है कि आप सच बोलती हैं, ठीक कहती हैं, लेकिन मैं कह दूं यह काम बहुत बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, सर झुकाकर वह सड़क की तरफ चली गई, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लग रहा था कि अब नया शासन, रेजिम मतलब शासन, अब नए शासन को जो है वह व्यवहार में लाएगी, इमीडिएटली मतलब तत्काल तुरंत। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हीज लिटिल ट्वीट कोट। कहता है जैसे जैसे मैं उसका प्रोग्रेस देख रहा था, प्रगति को देख रहा था, मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। क्यों? ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हीज लिटिल ट्वीट कोट। अब छोटे से ऊनी कोट पहना हुआ था और उसमें कहता है वह टॉटरिंग कर रहा था, यानी वह सख्त हो रहा था कोट उनको। क्या कहने का मतलब, ट्रिकी काफ़ी मोटा हो रहा था, शरीर उसका फैलता जा रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। राइटर कहते हैं इस तरह के कोट्स उनके पास पूरी आलमारी में भरा पड़ा था। फॉर द कोल्ड वेदर, और ये कोट किस लिए थे, कोल्ड वेदर के लिए, सर्दी के लिए। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और बरसात के लिए उनके पास, यानी ट्रिकी के लिए रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हीज हार्नेस। कहता है वो अपने हार्नेस के अंदर, अर्थात यहाँ जो कपड़ा है उसको कहा गया हार्नेस, मीन्स ऐसे कवच होता है, तो अपने कपड़े के अंदर वह क्या हो रहा था, कशमशा रहा था, जो कहिए आप, काफ़ी यानी तंग हो रहे थे कपड़े उसको। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरी। और कहता है मैंने सोचा बहुत जल्द जो है मिसेस पम्फरी मुझे बुलाएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कहता है चंद दिनों के भीतर ही वह जो एक्सपेक्टेड कॉल था, जो प्रत्याशित कॉल यानी बुलावा, वह आ ही गया कुछ दिनों के अंदर ही। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फरी दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खाने लगा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। कहता है यहाँ तक कि जो फेवरेट डिशेस था ट्रिकी का, वह भी खाने से इनकार करने लगा। इसके बावजूद उल्टियों का दौर शुरू हो गया, बार बार उल्टियां हो रही थी उन्हें। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। वह एक रग पर यानी कंबल पर पड़े पड़े हाँफ रहा था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। कहता है अब वह टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था। Didn't want to do anything, कोई काम करना नहीं चाहता था। I had made my plans in advance, कहता है मैंने पहले ही योजना बना रखी थी। The only way was to get Tricky out of the house for a period, कहता है एकमात्र Tricky को जो है ठीक करने का वे तरीका क्या था, कि उनको घर से बाहर ले जाया जाए फॉर ए पीरियड, कुछ अंतराल के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन।
यानी मिसेस पम्फरी को मैंने सजेस्ट किया कि भाई उनको जो है ना एक फोर्टनाइट यानी 15 दिनों के लिए इसको हॉस्पिटल में रखना होगा अंडर ऑब्जर्वेशन, मेरी देख रेख में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सुंड, यानी मिसेस पम्फरी को यहाँ पुअर लेडी क्यों कहा? कुत्तों के प्रति बड़ी आकर्षण है, उसके बिना वह बेचैन हो जाती है। तो जैसे ही सुनी कि अब 15 दिन के लिए कुत्ते को ले जाया जाएगा तो वह बेचारी लगभग बेहोश सी हो गई। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. मिसेस पम्फरी को यह यकीन हो गया था कि जो ट्रिकी है ना उसका, वह क्या होगा, सूख करके कांटा जैसा हो जाएगा। उड पाइन, पाइन कहते हैं कांटे को, एंड डाई और मर जाएगा, इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, यदि वह रोज़ाना उसे नहीं देखेगा तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एकमात्र उपाय था उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सचमुच में मैंने सोचा कि सबसे अच्छा उपाय है कि बिना विलंब किए इसे मैं ले जाऊं। एंड फॉलोड हिम, फॉलोड बाय मिसेस पम्फरीज वेलिंग्स, और फिर इसके बाद मिसेस पम्फरी का वेलिंग्स स्टार्ट हो गया, उसका बिलाप शुरू हो गया। जोर जोर से मिसेस पम्फरी रोने लगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। मैं क्या किया, मार्च्ड आउट टू द कार, कार की तरफ बढ़ा, कैरिंग करके मतलब ले करके उस लिटिल डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट कर, ब्लैंकेट कंबल को कहते हैं। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। अब कहता है जो भी स्टाफ्स थे उनके घर में और नौकरानियां थीं, सभी जो हैं अंदर बाहर करने लग गईं। किस लिए? जो भी उसका सामान था, डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, कुशंस गद्दों को कहते हैं, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल यानी नाद जिसमें ब्रेकफास्ट करने के लिए अलग था, लंच का अलग था, सफ़र का अलग था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल ऑफ ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब लेखक को लगा कि इतना सारा जो स्टफ है, सामान है, यह मेरी कार में नहीं अटेगा, तब तो मैं स्टार्ट करके जाने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसेस पम्फरी विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। क्या किया, दोनों हाथों में लेकर के लिटिल कोट्स यानी छोटे छोटे कोट्स जो है, डिस्पेयरिंग कराए, जोर जोर से रोती हुई, और हाथ में क्या लेकर के आई, ढेर सारे कोट्स, और खिड़कियों से अंदर उन्होंने फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न्ड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कहता है रोड पर जब मैं मुड़ रहा था ना तो मैंने मिरर से देखा यह दृश्य। क्या देखा, Everybody was in tears, कि सब के सब रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और रोड पर जब मैं आया ना तो उस pathetic little animal यानी ट्रिकी को कहा गया कि उस दर्दनाक या कहो कष्ट से परेशान उस जानवर को मैंने हाँफता हुआ देखा जो मेरे सीट के ही बगल में था।
आई पैटेड द हेड, मैंने उसका हेड सहलाया यानी माथा सहलाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, प्रयास किया उसने अपने टेल को, अपने दुम को हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा, अरे बेचारे छोकरे, यू हैवंट ए किक इन यू, कहा तुम्हारे शरीर में थोड़ी भी एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, और इसका जो दूसरा लेक्चर होगा अगले वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तब तक आप अच्छी तरह से पीछे के पढ़ाए हुए लेसन्स को तैयार करें, क्वेश्चन आंसर को भी याद करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय SDN।